हेलो दोस्तों, तो जैसे कि आप सबको पता है भाई, रेसलमेनिया 37 की नाइट वन होने में सिर्फ कुछ ही टाइम बाकी है और ऐसे में गाइस फाइनल बैटिंग ऑड्स आ चुके हैं कि बैटिंग ऑड्स किसको सपोर्ट कर रहे हैं, कौन विनर रहने वाला है, क्या कुछ हमें शॉकिंग मोमेंट देखने को मिलेंगे और इसके अलावा गाइस एक कन्फर्म्ड रिटर्न के बारे में बात करेंगे जो कि हमें नाइट वन में ही देखने को मिलेगा रेसलमेनिया की, एक बड़ा रिटर्न है ये। तो क्या कुछ हाइलाइट्स हैं, हमें कौन कौन से विनर देखने को मिलेंगे, सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो बस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं आपके एक प्यारे से लाइक से भाई। तो यार सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके बैटिंग ऑड्स के बारे में मैचेस के। तो यहाँ पर पहला एक टैग टीम मैच है बैड बनी एंड डैमियन प्रीस्ट वर्सेस द मिज एंड मॉरिसन के बीच में। गाइस मैच तो हमें अच्छा खासा देखने को मिलेगा, चारों सुपरस्टार्स ही काफ़ी बढ़िया है। वैसे बैड बनी की बात करें तो भाई वो सिंगर है, रेसलर तो है नहीं, पर बात करें बैटिंग ऑड्स फिर भी किसको सपोर्ट करें तो गाइस यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, बहुत ज़्यादा आगे हैं बैड बनी एंड डैमियन प्रीस्ट। यहाँ पर अंडर डॉग है मिज एंड मॉरिसन। नेक्स्ट मैच है सिंगल्स मैच सिजारो वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच में, और इसके मैच के बैटिंग ऑड्स में मेरी पर्सनल प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग है यहाँ पर सिजारो को फेवरेट बताया जा रहा है, सेथ रॉलिंस अंडरडॉग, सिजारो विनर है इस मैच के। नेक्स्ट मैच है गाइस फीमेल डिवीजन से और ये है फिफ्थ टीम का टैग टीम टर्बॉइल मैच, और ये जो पांच टीमें हैं वो कम्पीट करने वाली हैं इस मैच में। और बैटिंग ऑर्ड्स यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो बैटिंग ऑर्ड सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं कार्मेला एंड बिली के को। नेक्स्ट नंबर पे सपोर्ट कर रहे हैं लाना एंड नाओमी को। थर्ड नंबर पे हैं यहाँ पर नतालिया एंड तमीना। फिर डाना ब्रुक एंड मैंडी रोज इस मैच के बैटिंग कोर्स कुछ इस तरीके से हैं। नेक्स्ट मैच है गाइस रॉ टैग टीम चैंपियनशिप के लिए एजी स्टाइल्स एंड नाउमस वर्सेस न्यू डे के बीच में। यहाँ पर न्यू डे अपनी चैंपियनशिप डिफेंड करने वाले हैं और इस मैच के बैटिंग कोर्स भी भाई सीधे साधे हैं, एजी स्टाइल्स एंड नाउमस काफ़ी आगे हैं और वो विनर रहने वाले हैं और हमें नए चैंपियन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट मैच है गाइस स्टील केज मैच ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस शेन मैकमैन के बीच में, और इस मैच के बैटिंग कोर्स सपोर्ट कर रहे हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन को। यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमैन विनर है। इसके बाद गाइस फीमेल डिवीजन से सिंगल्स मैच है, ये चैंपियनशिप मैच है बियांका ब्लेयर वर्सेस साशा बैंक्स के बीच में, और इस मैच के बैटिंग ऑर्ड्स में मिले एक तरह से शॉकिंग है। यहाँ पर बियांका ब्लेयर को विनर बताया जाए, वो भी काफ़ी हाई बैटिंग ऑर्ड्स से बियांका ब्लेयर आके हैं साशा बैंक्स से, और हमें नए चैंपियन यहाँ भी देखने को मिलेंगे। बियांका ब्लेयर बनेंगे न्यू स्मैकडाउन वुमेंस चैंपियन। नेक्स्ट मैच भी गाइस चैंपियनशिप मैच है और ये है ड्रू मैकइंटायर वर्सेस बॉबी लैशली के बीच में, और इस मैच के बैटिंग ऑर्ड्स ने भी मुझे बहुत ज़्यादा शॉक करके रखा है। और भाई इस मैच की बैटिंग और सपोर्ट कर रहे हैं ड्रू मैकइंटायर को। यहाँ पर ड्रू मैकइंटायर विनर होने वाले हैं, फिर से एक बार उनके हाथ में WWE चैंपियनशिप आएगी तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, क्योंकि गाइस बॉबी लैशली यहाँ पर चैंपियन बने, बहुत अभी शॉर्ट टाइटल रिंग रहेगी उनकी, अगर वो हार जाते हैं और वो उन्हें डोमिनेटर दिखा रही WWE तो ऐसे में यार वो हार जाएंगे ये तो मुझे लगता नहीं है। पर फिर भी यहाँ पर बैटिंग ऑर्ड्स ड्रू मैकइंटायर को फेवरेट बता रहे हैं, बॉबी लैशली अंडर डॉग। तो गाइस ये थे सारे मैचेस के बैटिंग ऑर्ड्स जो कि हमें देखने को मिलेंगे रेसलमेनिया 37 के नाइट वन पर, और उन मैचेस के विनर्स आपके क्या लगता है ये बैटिंग ऑर्ड्स कितने हद तक सच साबित होंगे कमेंट बॉक्स खुला आप बता सकते हैं। और गाइस साथ ही एक रिटर्न की बात करें जो कि हमें नेक्स्ट रेसलमेनिया में देखने को मिलेगा, वो है नाइट वन के लिए बैकी लिंच का। गाइस बैकी लिंच ने अपने इंस्टाग्राम पे अपनी फोटो पोस्ट किया और कैप्शन में कुछ इस तरह का क्रिप्टिक मैसेज लिखा जैसे कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पर फैंस ने प्रिडिक्ट कर लिया और जो भी रेसलिंग ऑब्जर्वर हैं उन्होंने कहा भाई नाइट वन यानी कि नाइट वन में, यहाँ पर नाइट वन में टीज करी है बैकी लिंच की वो अपना रिटर्न करने वाली हैं। तो भाई मेरे तो दिल धक धक कर रहे हैं, सही में बैकी लिंच आ जाए मज़ा आ जाएगा। और जिस तरह से बैकी लिंच गई थी वो मनी इन द बैंक पेपर ही में टाइटल डिफेंड करने के बाद गई थी अपनी प्रेगनेंसी की वजह से, तो उन्हें फैंस का अच्छा सपोर्ट मिलेगा अगर रेसलमेनिया में वो बिल्कुल फैंस के सामने वापस आती है, तो बहुत तगड़ा रिएक्शन होने वाला है। और वैसे भी ये मैच मैन इवेंट में होगा तो यहाँ पर हमें बैकी लिंच पक्का देखने को मिलेंगी, तो वो एज ए हील आती हैं एज ए फेस, ये तो हमें नेक्स्ट रेसलमेनिया में पता चलेगा सिर्फ कुछ ही घंटों में बाद। पर गाइज आप जरूर कमेंट करके बताओ कि भाई आपको बैकी लिंच के देखने के बाद क्या रिएक्शन होने वाला है। और इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और फिर पसंद आए तो लाइक भी करना, और अगर आपने तो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑल पर सेट कर लेना जिससे कि हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। थैंक्स वॉचिंग, इसकी सपोर्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, भाई ख्याल रखें अपना।